ओके तो यहाँ पर हम जिन लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो लैंग्वेजेस जो हैं, देखिए लैंग्वेज जो हैं दे आर यूज टू कम्युनिकेट, सो दे आर यूज फॉर अ कम्युनिकेशन मीडिया बिटवीन टू सेट ऑफ एंटिटीज, टू एंटिटीज आई कैन से. फॉर एग्जाम्पल इफ मी एंड यू, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात को एक लैंग्वेज की हेल्प से आपके पास कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ठीक है, लैंग्वेजेस बहुत सारी हो सकती है, जैसे इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, हम लोग उड़िया बोल लेते हैं, राइट, हम लोग तमिल बोल लेते हैं, है ना. तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इन द कंट्री. अब सभी लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि हर एक लैंग्वेज के हेल्प से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. लेकिन इन सभी लैंग्वेजेस को ऐसा क्यों नहीं है कि हम इन लैंग्वेजेस को अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर सके टू गिव इंस्ट्रक्शंस. देखो, कंप्यूटर्स को अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्सेल्फ इज़ अ लैंग्वेज. जब मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके अंदर दो वर्ड बने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वर्ड है, इसका और इसका मीनिंग सेम है, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, जिससे हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इट इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू गिव इंस्ट्रक्शंस. तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कि किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि एक भाषा में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, वो है उसका मतलब, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज़ अ लैंग्वेज, लेकिन इन लैंग्वेजेस में जो ये लैंग्वेज हमारे पास गिवन है, इन लैंग्वेज में और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें डिफरेंस क्या है. देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, देखो लेट अस से कि दिस इज अ बॉय, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ बॉय, ओके, एंड अब ये जो लड़का है ये इनकी गर्लफ्रेंड है. ठीक है, सो मेबी शी इज़ अ गर्ल. ठीक है, तो ये इनकी गर्लफ्रेंड है, फाइन. अब ये इसको बोलता है दैट यू आर हॉट. ओके, सो अब अगर मैं एक, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हुआ जहाँ पर हमने एक वर्ड हॉट को यूज़ किया. सो जो मेजर वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके बारे में डिस्कस करूँगा, वो वर्ड क्या है हमारे पास, HOT, हॉट. ठीक है, तो हमने इस केस में हमने हॉट वर्ड के लिए डिस्कस किया है. उसी तरीके से अगर लेट अस से दिस इज द सेम पर्सन, अब इस केस में ही लुक्स एट अ कप ऑफ कॉफ़ी, ओके, सो दिस अ हॉट कॉफ़ी. अब ये इसको बोलता है दैट You are hot, or coffee is hot, or any sentence like this where he is discussing about hot. अब देखो difference क्या है कि यहाँ पर भी हमने hot word को use किया और यहाँ पर भी हमने hot word को use किया. ठीक है, अब इसके अलावा एक और scenario हो सकता है जहाँ पर this person is looking at a person जो कि बीमार है, किसी बीमार आदमी को बोल के देकर बोल सकते हैं यू आर हॉट. अब देखो, जो एक ही सेंटेंस है हमारे पास यू आर हॉट, इसको हमने तीन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया. हमने एक लड़की को देखकर बोला यू आर हॉट, हमने एक कॉफ़ी के कप को देखकर बोला यू आर हॉट, उसी तरीके से हमने किसी एक बीमार आदमी को देखकर बोला जिसको फीवर है दैट यू आर हॉट. अब तीनों केसेस में इस हॉट का जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. अभी जो सेंटेंस का मीनिंग है ये डिपेंड कर रहा है आपका कॉन्टेक्स्ट पर, कॉन्टेक्स्ट यानी कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है. कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, आप किसी एक लड़की को देखकर बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग बदल गया, आप एक कप ऑफ कॉफ़ी को देखकर बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग बदल गया, आप एक ह्यूमन जिसको फीवर है उसको देखकर बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग बदल गया, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उससे इसका मीनिंग बदल जाता है. इसी वजह से इन सभी सेंटेंसेस के अंदर, जिस तरह से ये सेंटेंस है, इसके अंदर एक बहुत ही मेजर चीज़ आती है जिसको बोलते हैं एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब है कन्फ्यूजन, यानी कि हमारे सेंटेंस में कन्फ्यूजन आ जाती है. ठीक है, कन्फ्यूजन. तो अगर मैं अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दूंगा दैट यू आर हॉट, अब कंप्यूटर के अंदर जो एक वो मशीन है, दैट कंप्यूटर इज अ मैथमेटिकल मशीन,
तो उस मशीन को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी जब मैंने कंप्यूटर को बोला यू आर हॉट, इसका मतलब क्या है. तो इसका इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कंप्यूटर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा भी हो सकता है कि जो कंप्यूटर है वो दिखने में काफ़ी अच्छा है इस तरीके से, राइट. तो हमारे पास जो मशीन है या जो कंप्यूटर्स हैं दे आर मैथमेटिकल मशीन. तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे कंप्यूटर्स ऐसे सेंटेंसेस को नहीं ले सकता. और ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो इंग्लिश यूज़ करो, चाहे हिंदी यूज़ करो, चाहे ओडिया, तमिल और एनी लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द लैंग्वेजेस, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर एम्बिगुअस. एम्बिगुअस वाई? बिकॉज दे टॉक अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. इसी वजह से सेंटेंसेस का जो मीनिंग है, सेंटेंसेस का जो मतलब है वो बदल जाता है, ठीक है. तो इसी वजह से कंप्यूटर्स के अंदर जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर्स को जब भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. तो जो लैंग्वेज है कंप्यूटर्स को, जो लैंग्वेज आपको देनी है, बिकॉज दोज इंस्ट्रक्शंस शुड बी मैथमेटिकली प्रिसाइज, दे शुड बी मैथमेटिकली precise, mathematically precise, okay. Or I can say there should be no ambiguity should be present, no ambiguity should be present, no ambiguity should be present. तो कोई भी ambiguity language के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब देखो क्या ऐसी कोई language exist करती है which is the most precise language mathematically? One language that is present is Sanskrit. So out of all the languages in the world, so we should be very proud of this, because Sanskrit is the most precise mathematical language. So there were people who were studying Sanskrit language taki hum Sanskrit language ke andar hum computers ki programming kar sake, because there is the most mathematically precise language that is present out of all the spoken languages. Theek hai, jitne bhi hum languages bolte hain sabse zyada precise language hamare paas Sanskrit, theek hai. Ab is subject mein humne kya kiya, अगर हम इन सभी लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं कर सकते तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी थी विच शुड बी मैथमेटिकली प्रिसाइज, ठीक है. अब मैथमेटिकली प्रिसाइज के लिए नाउ वी हैव टू क्रिएट न्यू लैंग्वेजेस जो कि मैथमेटिकली प्रिसाइज हों, ठीक है. तो हम जब यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करेंगे, एवरी लैंग्वेज जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो उनकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी. जब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करता हूँ, यानी कि मैथमेटिकल रूल्स या फिर मैथमेटिक्स की हेल्प से हम उसकी स्ट्रिंग्स को एन्यूमरेट कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं, ठीक है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके बाद, जिसमें हम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा. जिस तरह से आप सेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी तरीके से एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की हेल्प से हम उसकी स्ट्रिंग्स को बना पाएंगे. तो वो जो लैंग्वेजेस हैं दे विल बी मोर मैथमेटिकली प्रिसाइज लैंग्वेजेस, ठीक है. तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको मैथमेटिकल प्रिसाइज लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ. एक दो लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की हेल्प से हम किस तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेजेस को बना सकते हैं, ठीक है.